अगर शासकीय मेडिकल कॉलेज 50 बीघा जमीन में खुलता है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 5 बीघा में क्यों खुले? अगर शासकीय उद्यानिकी महाविद्यालय कृषि महाविद्यालय अगर 100 एकड़ जमीन में खुले तो प्राइवेट 5 बीघा में क्यों खुले? ये अंतर है। ट्वेल्थ की परीक्षा पास करने के बाद इनको जिस प्रकार से प्री टेस्ट करना पड़ता है उनको क्यों नहीं करना पड़ता है? ये बहुत विसंगति है और इस विसंगति को लेकर के निश्चित से छात्र मंचों में आंदोलन हुए हैं। इनकी बात को मैं निश्चित से विधानसभा में उठाऊंगा। विधायक जी से हम इन बातों को लेकर मिले हैं कि जो हमारा आंदोलन चल रहा है हफ्ते भर से, तो अभी हमारा जो जितने भी मध्य प्रदेश के दोनों विश्वविद्यालय में जितने भी कॉलेज आते हैं सारे कॉलेज का छात्र प्रतिनिधि मंडल, भोपाल कृषि मंत्री और कृषि प्रमुख सचिव और सीएम मुख्य सचिव से भी मिलकर आए, लेकिन उनने हमारा कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया हमारे प्रति। और ऊपर से मुख्य सचिव कृषि ने आरोप लगाया विश्वविद्यालय के ऊपर कि ये सारा दोष विश्वविद्यालय का, कृषि विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है उन पर तालाबंदी करेंगे और अब हम अगर प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई नहीं करता है तो हम ये कॉलेजों से अपना एडमिशन निरस्त कराएंगे और हमारा नोटिस कराएंगे और हम भी खुद भी अब इन कॉलेजों में नहीं पढ़ेंगे अगर ऐसे धनाधन अगर एग्रीकल्चर कॉलेज खुलते जाएंगे। जनपद गहलोत उद्यान की महाविद्यालय परीक्षा है उसमें प्रवेश निजी कॉलेज के छात्र हैं उनको बिल्कुल ना दिया जाए तत्काल प्रभाव से। उसके बाद जो अन्य हमारे मुद्दे हैं जो प्राइवेटाइजेशन कॉलेज जितने भी खोले गए हैं उन सभी को बंद किया जाए शीघ्र से शीघ्र, और जितनी भी हमारी जो वैकेंसीज हैं पुरानी जो वैकेंसी पड़ी है उनको भी नहीं निकाला जा रहा है। सोयल टेस्टिंग लैब में भी निजीकरण किया गया है जिससे हमारे छात्र बेरोजगार हो रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।